बाहुबली एक ग्रैंड प्रोजेक्ट है जिसने पहले ही एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी इकट्ठा कर ली है। एसएस राजमौली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक मास्टरपीस है जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अब खुद डायरेक्टर ने बाहुबली 3 को लेकर ऐसी बात कह दी है जो फिल्म के फैंस को खुश कर देगी। जल्द बनाने पर विचार कर रहे हैं। पार्ट 3 में महेंद्र बाहुबली और अवंतिका की कहानी को आगे दिखाया जा सकता है। इस फिल्म के पहले दोनों भागों से ज़्यादा ग्रैंड होने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि बाहुबली और बाहुबली 2 फैंस के दिलों में जगह बना चुकी है। बाहुबली 2015 में तो वही बाहुबली 2 2017 में एसएस राजमौली के शानदार काम को देखा जा सकता है। अभी हाल ही में उन्होंने पार्ट 3 के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि बाहुबली 3 ज़रूर बनेगी। पहले मैंने RRR के बाद बाहुबली 3 करने के लिए ही प्लानिंग की थी, पर अभी प्रभास के साथ चर्चा चल रही है। इस बयान से फिलहाल ये तो साफ हो गया है कि फिल्म धमाकेदार होने वाली है, लेकिन वहीं दूसरी ओर फैंस को एक नया डर सता रहा है। बाहुबली बनने वाली है ये बात तो खुशी की है, लेकिन वही सब ये भी जानते हैं कि बाहुबली के डायरेक्टर एक प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 2 सालों का वक्त ले लेते हैं। ऐसे में बाहुबली तो अपने आप में ही एक बहुत ग्रैंड प्रोजेक्ट है। अब अगर वो इसका तीसरा पार्ट बनाएंगे तो कहानी आगे होगी तो लगभग 3 सालों का वक्त तो लग ही जाएगा। वहीं ऐसे में कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तो उन्हें बाहुबली 3 ना बनाने की भी सलाह दी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर कहानी आगे बढ़ती है तो महेंद्र बाहुबली की टक्कर अब भल्लाल देव की कोई छुपी हुई संतान से होगी, या फिर होगा कुछ और धमाकेदार।